मनौर विधायक और जय आदिवासी युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा आज विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय प्रशासन का आरोप लगाते हुए मनौर विधायक और जय आदिवासी युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा आज अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन नहीं चाहता कि मनौर का विकास डॉक्टर हीरालाल अलावा के कार्यकाल में हो, इसीलिए सिविल अस्पताल मनौर 50 बेड उसका भी निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। मनौर से लोकेंद्र यादव की रिपोर्ट। मनौर विधानसभा के मनौर नगर परिषद क्षेत्र में रखा गया है और ये धरने का प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनौर क्षेत्र के विकास को जो पिछले 2 साल से रोक के रखा है उस विकास की लड़ाई हम लोग आज धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आज आपने मनौर में मनौर एक ऐसा बहुल्य क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र की आबादी लगभग 4 लाख 4.5 लाख की आबादी है, यहाँ पे एक अच्छे अस्पताल को कमला जी सरकार ने पिछले 3 साल पहले मंजूरी दी थी लेकिन आज तक वो अस्पताल सिविल अस्पताल निर्माण होना शुरू नहीं किया है, किसी न किसी कारण से उस अस्पताल को रोके रखा। मनौर को जिला बनाने के लिए हमने मनौर की जनता के साथ साथ में मनौर विधानसभा के लोगों के साथ साथ में हमने भोपाल विधानसभा में इसकी लड़ाई लगातार लड़ी लेकिन आज तक जिले को घोषित नहीं किया गया। आज मनौर क्षेत्र में सेमलदा में पुल हो चाहे आज ये आदिवासी क्षेत्र बहुल्य में जो बिजली के बिल जो भारी बढ़ोतरी के साथ दिए जा रहे हैं क्षेत्र की जनता को छला जा रहा है, इन सब गंभीर मुद्दों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सिविल अस्पताल मंजूर किया जाए, मनौर को जिला घोषित किया जाए और मनौर क्षेत्र की जनता के साथ यानी किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ में जो अभी हाल ही में असामयिक अतिवृष्टि के कारण जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है उन फसलों का मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे रही है। पर साथ में एक दो जो और महत्वपूर्ण मांग है जो बाईपास मनौर के लिए जो महत्वपूर्ण मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी कमला जी सरकार ने मनौर को सबसे पहले बाईपास स्वीकृत किया था, आज भी वो बाईपास बनना शुरू नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि बाईपास जल्द से जल्द मनौर को स्वीकृत किया जाए और इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। बाकी क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि मनौर क्षेत्र के विकास को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाए। मध्य प्रदेश सरकार गरीब मजदूर किसान और आदिवासियों के हक में लड़ने की बात करती है लेकिन हकीकत में सिर्फ भाषणों में विकास कर रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ क्षेत्र का विकास रुकाना चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला क्या दबाव? हमारा मैं मध्य प्रदेश सरकार अगर हमारी मांग मनौर को जिला बनाने और मनौर को अस्पताल भवन निर्माण करने की जल्द से जल्द ये घोषणा नहीं करते हैं तो निश्चित ही हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ रहेगा। चाहे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के नर्मदा जो विस्थापित लोग हैं सरदार सरोवर डैम से इनके मुद्दे हो चाहे किसानों के मुद्दे हो चाहे ये ओपीएस पेंशन का मुद्दा हो चाहे बेरोजगार जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनका मुद्दा हो चाहे ये जो व्यापारी वर्ग जो आज कपास मंडी व्यापारी जो हड़ताल पे बैठे इनकी मांग हो इन सब के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।